तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हम फिल्मोरा में कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको फिल्मोरा में एडिटिंग करके दिखाऊंगा एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल टेक्निकल मोंटी एंड मैं हूँ आपका दोस्त मोंटी। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आपको फिल्मोरा में एडिटिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होगा, जो स्टेप आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मैं आपको वीडियो में पूरे स्टेप्स बताऊंगा, तो चलिए गाइस जान लेते हैं वो स्टेप क्या है एंड आपको किस किस चीज को फॉलो करना है। तो चलिए गाइस, चलते अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर एंड वीडियो एडिट करना सीख लेते हैं। तो गाइस, हम आ गए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर आपको अपनी वीडियो लेकर के आनी होगी। एडिट करने के लिए आपको सिंपली प्लस के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो आपके सामने आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर सिंपली आपको जिस भी वीडियो को एडिट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए गाइस, हम यहाँ पर अपनी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है, आपकी जो वीडियो है यहाँ पर आ जाएगी। वीडियो आने के बाद अब आपको यहाँ पर इसको टाइमलाइन में ले आना है ड्रॉप करके। ड्रॉप करने के बाद अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, 1920 यानी कि आप इसको ज़्यादा FPP में रखना चाहते हो या कम में। अगर आप उसको ज़्यादा में रखोगे तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा OP होने वाली है। तो गाइस, आपको सिंपली इसको 1920 एंड 1080 पर कर देना है। इसके ऊपर करने के बाद आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा OP जाएगी। दोस्तों, अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरी वीडियो है ये मैंने शूट की हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम आई। तो सबसे पहले तो हमारी यही प्रॉब्लम होती है, अगर हमारी वॉल्यूम कम हो तो हम इसको वॉल्यूम को तेज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पर जो ये लाइन आती है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको इसको तेज कर देना है। तेज करने के बाद अब आप मेरी वीडियो को वॉल्यूम को सुन सकते हो। अगर आप हमारे चैनल बनाया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, मेरी वीडियो को वॉल्यूम अब तेज हो चुकी है एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं अगर हमको ये वीडियो को बीच में से कट करना तो वो कट कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली जहां भी से वीडियो कट करना है उसके ऊपर जाना है। जाने के बाद ये रेड कर्सर ले लाना है। रेड कर्सर के बाद आपको यहां पर जो कैची का ऑप्शन मिल जाता है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपकी जो वीडियो है बीच में से कट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको अलग कर सकते हो। अब गाइस, हम बात कर लेते हैं, हम जो वीडियो कट हो तो हो चुकी है, अब हमको इसमें से बीच का एक पार्ट निकालना है। तो गाइस, हमने यहाँ पर सिंपली आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जहाँ से भी आपको बीच का पार्ट निकालना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कैची के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड गाइस, आपका ये बीच का पार्ट अलग हो चुका है। आप चाहते हो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, आप चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो। और गाइस, हम बात कर लेते हैं हम अगर बीच में जो स्पेस है इसको कैसे गायब कर सकते हो। आप इसको गायब करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पर रिप्ले डिलीट कर दे ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं एंड गाइस, हम शॉर्टकट की का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर इस वाले करते हैं, शॉर्टकट के लिए आपको शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना है, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। हटने के बाद अब गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पर अपनी वीडियो में कोई टाइटल डालना है यानी कि या फिर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है तो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे डाल सकते हो। आपको यहाँ पर सिंपली सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को लेना है। जैसे हम वीडियो को लेकर के आए हैं तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कोई भी जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक को निकाल लेना है। तो गाइस, हमने यहाँ पर अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करके एंड ओपन के ऊपर क्लिक किया है तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया। आपको यहाँ पर सिंपली इसको ड्रॉप करके वीडियो के नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद आप यहाँ पर सुन सकते हो एंड गाइस, अब यहाँ पर हमारी वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक की जो आवाज़ है वो तो काफ़ी तेज़ आ रही है एंड हमारी आवाज़ जो वो कम आ रही है, इसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर इसे अपनी वीडियो बैकग्राउंड अपनी जो म्यूजिक है उसके आवाज़ कितनी भी तेज है एंड कितनी भी हाई रख सकते हो। आपको अपनी वीडियो का वॉल्यूम रखना है यहाँ पर -15, आपको यहाँ पर अपनी वीडियो का वॉल्यूम रखना है -15 हमने कर दिया है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी वीडियो है वीडियो की आवाज़ तो एकदम क्लियर आ रही है एंड आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो काफ़ी अच्छा दे रही है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है। अगर आपको इसको और कम करना है तो आप कम कर सकते हो माइनस में, अगर आपको और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप इसको वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हो एंड गाइस, आप यहाँ पर अपनी वॉल्यूम को तेज भी कर सकते हो एंड गाइस, आप बात कर लेते हैं इसके ऊपर अगर हमें कोई टाइटल वाइटल देना हो तो टाइटल कैसे दे सकते हो। तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर टाइटल का ऑप्शन मिल जाता है थर्ड नंबर के, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कई सारे टाइटल मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर जो भी टाइटल आप यहाँ पर आपको पसंद हो उस टाइटल को आप ले सकते हो। जैसे कि हम अपने इस वाले टाइटल को एक बार ले करके देखते हैं, हम यहाँ पर अपने एक टाइटल को ले लेते हैं। तो गाइस, हमने इस वाले टाइटल को सिलेक्ट किया एंड ड्रॉप करके हम इसको नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि योर टाइटल हेयर यहाँ पर लिख करके आ रहा है। अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हो। चलिए हम जल्दी से एडिट कर लेते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ लिखा है। अब इसके ऊपर आपको इसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना, तो इसके लिए आप यहाँ पर साइड में इनके इफेक्ट देख सकते हैं, फिल्टर देख सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली हमको येलो वाला फिल्टर लगाना है, आपको यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके इसे लगा देना है एंड गाइस, अगर यहाँ पर दूसरा लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर कोई सा भी लगा सकते हो एंड गाइस, आप यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो ये
टैक्स है ये लग चुका, आप इसको कितना भी छोटा या बड़ा कर सकते हो एंड इसको एडजस्ट कर सकते हो कहीं भी उठा करके। हम इसको बीच में लगा लेते हैं एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो कमाल की वीडियो में आपके जितने भी हमारा जो ये सब्सक्राइबर बटन है ये भी लग चुका है। अब बात कर लेते हैं गाइस, अगर आपको यहाँ पर अपनी वीडियो में कोई इमेज मतलब आपको अपनी वीडियो को क्रॉप करना है तो वो आप क्रॉप कैसे कर सकते हो। आपको सिंपली अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ पर क्रॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रेशियो का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कस्टम कर लेना है। कस्टम करने के बाद अब आप यहाँ पे अपनी वीडियो कितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हो। तो गाइस हमने अपनी वीडियो क्रॉप कर लिया है, अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हो तो जो आपकी वीडियो क्रॉप हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी हमारी वीडियो क्रॉप हो चुकी है। अब इसको वापस करने के लिए आपको यहाँ पर बैक बटन मिल जाता है, बैक करके आप इसको फिर से पहले जैसा कर सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पर अपनी कोई पिक्चर विक्चर लगानी हो, इसके ऊपर कोई पिक्चर विक्चर देनी है या एनिमेशन देनी है तो आप कैसे दे सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कई सारी ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगी, ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी है एंड आपको यहाँ पर ला करके इसको ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद अब आप इसको देख सकते हो आपका। तो गाइस आप यहां से अपनी वीडियो में ट्रांजैक्शन भी दे सकते हो जिससे कि आपकी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यहां पर आपको कई सारी ट्रांजैक्शंस मिल जाती हैं। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपनी वीडियो में कोई भी पिक्चर विक्चर लगानी है तो आप उस पिक्चर को कैसे लगा सकते हो। आपको सिंपली मीडिया के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब आप इसको ड्रॉप करके नीचे ले आना है। एंड गाइस आप यहां पर देख सकते हो कि हमारी जो पिक्चर ये ऊपर आ रही है, इसको नीचे लाने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर ये प्लस के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहां पर क्लिक करके ओपन ट्रैक मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर से ब्लो ट्रैक वन के ऊपर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। तो हमारा जो ये पहली ब्लॉक थे इसके नीचे का जो ये ट्रैक है, एक ट्रैक खाली हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने उस वाली पिक्चर को ड्रॉप करके नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हमारा ट्रैक है नीचे आ गया है। अब गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रैक है वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये इसके नीचे, तो हम इसको कब दिखेगा, इसको आपको हमको वीडियो को क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप करने के लिए हमने जैसे कि आपको बताया था, आप यहाँ से अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हो, जितना चाहिए उतना क्रॉप कर सकते हो कस्टम करके। ओके कर देना है गाइस आपको, ओके करने का जो आपकी वीडियो है वो क्रॉप हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा बैक मतलब पीछे जो बैकग्राउंड पे ये भी नजर आ रहा है। अगर आपको अपनी वीडियो में जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो उसके पीछे ब्लैक ब्लैक नजर आता है, आप उसको यहाँ से सही कर सकते हो। और गाइज अगर आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर आपको बैक का ऑप्शन मिल जाता है। एंड गाइज अगर आपको कोई बीच का पार्ट है उसको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आपको उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, आपको जो पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि गाइज ये डिलीट हो चुका है, बैक लाने के लिए आप उसको वापस से भी ला सकते हो। अब गाइज बात कर लेते हैं आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ एक्सपोर्ट के ऊपर बटन मिल जाता है, एक्सपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपकी वीडियो जो है काफी आसानी के साथ एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 1% हो चुकी है और अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2% हो चुकी है। इस तरीके से ये 100% तक आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं यूट्यूब से रिलेटेड नया अपडेट्स एंड एडिटिंग से रिलेटेड न्यू ट्रिक्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।